हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला, जो भाई लोग थ्री फेज का मोटर रखते होंगे या थ्री फेज के कोई भी सप्लाई होगा, अगर उस पर आप लोग वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर जो दोस्तों होता है, जिसको लोड मीटर बोलते हैं, एम्पियर मीटर को कैसे लगाते हैं। जो लोड मीटर होता है लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आपका लोड कितना चल रहा है देखने के लिए, तो हिसाब से अपना लोड कम बेस करके चला सकते हैं। चक्की हो चाहे तेल मिल, कुछ भी हो, थ्री फेज मोटर चलने वाला उपकरण, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सामने जो वोल्टेज मीटर एम्पियर मीटर हमने बोर्ड में सेट कर लिया, उसका कनेक्शन आप लोग को दिखाऊंगा अभी करके कैसे इसका कनेक्शन होता है, आप लोग लाइव देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये आईसीटीपी स्विच होता है, ठीक है, जिसमें ये स्विच भी होता है और फ्यूज का भी काम करता है। यहाँ पर दोस्तों डीयूएल स्टार्टर लगा हुआ है जो कि तेल वाला है। दोस्तों, तो एम्पियर मीटर कनेक्शन करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि तीन फेज जो लाइन आता है स्टार्टर में, उसमें से किसी एक तार को दोस्तों बीच में से कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करके और कटिंग करने के बाद दो तार हो जाएगा, ठीक है, बीच में से कटिंग की जगह दो सिरा हो जाएगा, इधर का एक उधर का, उसको दोस्तों छील लेना है। छील के क्या करना है, एक एम्पियर मीटर का दो टर्मिनल होता है, एक एक टर्मिनल पर एक एक तार को कस लेना है, ठीक है, जैसे कि जैसे घुंडी बना के। और एक तार दोस्तों लाइन का आएगा, वो एम्पियर मीटर पर कसा जाएगा और एम्पियर मीटर से निकलेगा, चल जाएगा स्टार्टर में, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या कहा, एक तार तो ये एम्पियर मीटर में कसा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ये जाएगा स्टार्टर में, और एक दोस्तों मेन लाइन का तार है, ठीक है, जो कि इसमें कसा जाएगा, जो कि आपको आता होगा मीटर से, ठीक है, मीटर से जाओ भी स्विच या फ्यूज जहाँ से होगा वहाँ से आता होगा, ठीक है। तो एक तार दोस्तों आपका यहाँ कसा जाएगा लाइन का, और एक निकल के चला जाएगा आपका स्टार्टर में, ठीक है, स्टार्टर में चला जाएगा, तो आपका एम्पियर मीटर का कनेक्शन हो गया, बचा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर अगर आपका 300 तक वाला वोल्ट मीटर है आपको, तो एक फेज और न्यूट्रल एक टर्मिनल पर कस देना है, मतलब एक टर्मिनल पर फेज, एक टर्मिनल पर न्यूट्रल कस देना है। और आपका 500 तक वोल्ट मीटर लिखा हुआ है तो आपको दो फेज दे देना है, ठीक है, दो फेज, कोई दो फेज आपको उसमें एक टर्मिनल पर एक फेज, दूसरा टर्मिनल पर दूसरा फेज आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे तार का किस तरह से घुंडी इसका दोस्तों होता है बना लिया है, और बना के दोस्तों उस मीटर जो दोस्तों होता है उसमें दो टर्मिनल होता है, ठीक है, एम्पियर मीटर में एक एक टर्मिनल पर मोटा मोटा वायर दोस्तों होता है, उसको हमने इसमें दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से कसने वाला, मतलब पेचकस से, तो हमने उसे कस लिया। कहीं कहीं पर नोट वाल्टू भी होता है, तो उससे भी आप कस सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एकदम, और दोस्तों एम्पियर मीटर दोस्तों लोड मीटर होता है, इसमें एम्पियर बहुत अधिक चलता है, तो ध्यान रखना है कि इसको टाइट होना चाहिए, ठीक है, लूज नहीं छोड़ना है, इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, इतना भी टाइट नहीं करना है कि टाइट करते वक्त तार ही टूट जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो तार है वो 7/21 या 7/20 तार है, ठीक है, जो पुराने ज़माने वाला, अभी जो तार आता है वो MM में होता है, 6 MM, 4 MM, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप लोग ठीक प्रकार से टाइट कर ले, ठीक है, टाइट करने के बाद अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। और इस पर दोस्तों संट कैपेसिटर भी लगता है, तो कैसे लगता है अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करें, उसका ये वीडियो हम लोगों ने बना के अपलोड कर दिया है, आप लोग को लिंक मिल जाएगा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में। अगर थ्री फेज मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, देखिए। तो ये चालू करके हमने मोटर को आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए ये ऑन हो चुका है अभी मोटर, और एम्पियर मीटर सारा कुछ ऑन है, देखिए किस प्रकार से चल रहा है।